सेना में जाना जिन युवाओं का सपना है उनको सरकार की अग्निवीर स्कीम से समस्या है। वो पुरानी वाली व्यवस्था ही चाहते हैं। साठा और चौरासी गांव की खास बात यही है कि यहां पर बड़ी संख्या में वो परिवार रहते हैं जिनके घर से कोई न कोई या तो सेना में सेवाएं दे रहा है या फिर सेना से रिटायर्ड है। ये गाँव खटाना है। साठे चौरासी का मतलब सड़क के एक तरफ साठ और दूसरी तरफ चौरासी गाँव है, और ये इलाका इसलिए मशहूर है क्योंकि भारतीय सेना में बहुत ही छोटे क्षेत्रफल से सबसे ज्यादा सैनिक इसी इलाके से जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर ऐसे रंगरूट हैं। जी, पहली बात तो ये आप तैयारी देख रहे हैं, और दूसरी बात ये हमें नहीं चाहिए जी अग्निवीर। हमें तो जो हमारा पिछला नियम था वो हमें दे दो। हमें देश की सेवा करनी है। हमारे पिताजी, हम किसान आदमी है, कोई हम अमीर आदमी नहीं है। हमें पिछले नियम दे दो, हमें ये नया नहीं चाहिए। मान लो हमारी अभी 21 साल उम्र है, 4 साल करके 25 साल, हमें 25 साल थोड़ी नहीं जीना है, हमें तो बहुत लंबी उम्र है हमारी जी। अग्निवीर स्कीम को लेकर इन युवाओं में गुस्सा है। ये बाकियों की तरह तोड़फोड़ या आगजनी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके सवालों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जवानों की धरती, वीरों का देश, गांव कटाना, उत्तर प्रदेश, भर्ती आनी चाहिए, 4 साल के हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जी। बड़े बूढ़े ने, पूर्वजों ने हमारे न बलिदान दिया, हमारे देश को आजाद कराओ। हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। हम भी इसलिए सेना में भर्ती होना चाहते हैं। अब आके सरकार आते अंत में आके सपने ने चूर चूर कर देती है, तो क्या करें चाहे। सेना में जाने की उम्मीद में पिछले 2 सालों से मेहनत कर रहे इन युवाओं को 4 साल बाद के भविष्य की चिंता है। लेकिन जब उन्हें ये बताया गया कि उसके बाद वो पुलिस भर्ती में जा सकते हैं, तो इस पर इनका क्या कहना है वो सुनो। पुलिस में नहीं जाना? क्यों पुलिस में नहीं जाना? पुलिस में जाना नहीं है जी, ना बचपन से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं जी। आर्मी का ही शौक है, हमें आर्मी का सपना है। साठा चौरासी गांवों के युवाओं का मकसद हमेशा से ही सेना भर्ती कर रहा है, लेकिन नई स्कीम से निराश इन युवाओं को लगने लगा है कि अब देश के किसानों के बेटों को सेना का जवान बनने का सपना छोड़ना पड़ेगा।